भाई ये 5 किलोवाट का डायनमो है, 1440 RPM का। जब इसे हम 1440 RPM पर घुमाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए 220 वोल्ट और लगभग 5 किलोवाट, जो कि अभी नहीं आ रही। इसके साथ में मैंने ये व्हील लगा के और फ्लाई व्हील लगा के इधर एक मोटर लगा रखी है, जो कि 1 HP की है, 1440 RPM की। जब मैं इस मोटर को 220 वोल्ट AC से चलाता हूँ, यहाँ पर 1440 RPM आते हैं, सेम RPM इस जगह आते हैं, और यही RPM फ्लाई व्हील के द्वारा, फ्लाई व्हील के सपोर्ट में इस डायनमो को जाते हैं, लेकिन आउटपुट हमें नहीं मिल रही। ऐसा क्यों, कृपया बताएं। पानी गिरने और ये बेंच पानी गिरने लगा।